बाड़मेर का वॉलीबॉल में एशियन गेम्स खेलकर गोमा राम डूडी लौटे हैं। रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया जा रहा है। यहाँ जो वॉलीबॉल संघ है बाड़मेर का, उनके पदाधिकारी यहाँ हैं। गोमा राम डूडी स्वयं मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। साथ ही वॉलीबॉल संघ से जुड़े हुए लोग, हेमा राम जी सरपंच, मूला राम जी, कई लोग हैं, प्रधान प्रतिनिधि जगदीश जी है, पूरी टीम है। पहले सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। कैसे वॉलीबॉल का सफर तय हुआ यहाँ तक का? सफर बहुत कठिनाइयों से निकला था, मतलब लास्ट का जो परिणाम निकला वो बहुत सराहनीय, बहुत खुश हूँ उससे। सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, लेकिन धीरे धीरे कदम सीढ़ी कदम, मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी यहाँ तक पहुँचा। बहुत खुश हूँ। आज मेरे गाँव वाले, फैमिली वाले, मेरे दोस्त सारे कोशिश, सारे साथ में, सारों ने साथ दिया। बहुत खुश हूँ। बहरीन में खेल के आ रहे हैं एशियन गेम्स में, यहाँ के और खिलाड़ी थे क्या? अपने राजस्थान का एक था अपना, और एक मैं बाड़मेर से था, बाकी सारे बाहर के, हरियाणा, यूपी, उस साइड के थे। कितना कठिन सफर रहा? बार भाषाई खान पान? नहीं, बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। वैसे कैंप थे हमारे 24 दिन के, तो यहाँ बेंगलोर में कैंप बढ़िया रहा। फिर आगे लिस्ट आई तो फिर आगे निकल गए। दो दिन बाद ही 28 अगस्त से, जुलाई से, और 4 अगस्त तक ख़त्म हुआ था। टूर बढ़िया रहा, मनामा बहरीन में हुआ था टूर्नामेंट, बहुत बढ़िया था। और कोसा, उधर कोसा भी साथ में थे, कोसेज सारों की बढ़िया व्यवस्था थी, उन्होंने बढ़िया व्यवस्था की आगे, बहुत बढ़िया टूर रहा। इसमें काफ़ी खर्चा आया होगा, या धन्यवाद अगर देना चाहे तो किन को देना चाहिए? धन्यवाद तो सबसे पहले मैं मेरी फैमिली वालों का दूंगा, जिन्होंने मेरा हर मुसीबत में साथ दिया। दूसरे पे सबसे साथ लक्ष्मण जी का, जिन्होंने हर मुसीबत में साथ दिया मेरा। फिर मेरे गांव वालों का, मेरे कोशेज का, वॉलीबॉल संघ बाड़मेर का, हेमा राम जी, मूला राम जी, और जो मुसीबत में खड़ा रहा हर उस व्यक्ति का। वॉलीबॉल संघ से कब से जुड़े हुए आप? मानो तो 4-5 साल से लगातार आप। हाँ, वॉलीबॉल बाड़मेर वॉलीबॉल संघ के माध्यम से टूर्नामेंट में जा रहे हैं। हाँ, और लगातार जब तैयारी कर रहा हूँ वो 3.5 साल हो गए, 3.5 साल प्लस ही हो गए। आप जैसे आम किसान के बेटे का बहरीन तक का सफर बड़ा सपना है, ये बड़ा मुश्किल भरा है। क्या थार के लोगों के अंदर ये हुनर है, मौके नहीं मिल रहे हैं, या लोग पूरी मेहनत नहीं कर रहे? नहीं, मौके अगर मिले तो हमारे इस साइड के युवा वो शक्ति है, वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन उनके अगर वो नेशनल तक जाएं, फिर आगे सपोर्ट नहीं मिले उनके पीछे, तो फिर उनका ख़त्म टूर वहीं सपा नेशनल तक ख़त्म हो जाएगा। ऐसा है नहीं कि वो अंतर्राष्ट्रीय तक पहुँच नहीं सकते, पहुँच सकते हैं। इतना दम है अपने इस साइड थार के लोगों में, देखा है और है, और अभी भी खेल रहे हैं आगे। आर्थिक मदद सरकार की तरफ से मिली है या जन सहयोग से? सरकार की तरफ से भी और जन सहयोग से भी, सबकी तरफ से मिले। वो मतलब तंगी नहीं आने दी लोगों ने? नहीं, सब फैमिली वाले, गांव वाले, सब कोसे, सब साथ में थे, कुछ नहीं। युवाओं के लिए क्या संदेश है जो खेल क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं? मेहनत करते रहो, एक दिन तो एक दिन आपको मिलेगी। ऐसा है नहीं कि आपको मेहनत करने के बाद आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर सफलता नहीं मिली तो एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा आपको, तो मेहनत जारी रखो, एक दिन वो जरूर पीटी मिलेगी जो आप चाहते हैं। सरपंच साहब, बहुत बहुत बधाई, आपके संघ के लोग जीत गए हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। मैं सबसे पहले तो गोमा राम को बधाई देता हूँ, जिसने खुद की काबिलियत के बल पर ये मुकाम हासिल किया है, और इसने शुरू से ही ये ठान लिया मेरे को आगे बढ़ना है। इसमें हमारे यहाँ राजनीति को ज़्यादा मतलब नहीं है, खिलाड़ी अपने बल पर खेल कर जो जाता है उसी की पीठ थपथपाई जाती है, और मैं भगवान से कामना करता हूँ कि बाड़मेर का बच्चा जो इंडिया लेवल पर सीनियर जूनियर सब टूर्नामेंट खेले, मेरी यही दुआ है। धन्यवाद। प्रधान जी, आपके तो गांव का है? बिल्कुल, हमारे गांव का है। गोमा राम जी को मैं शुरू से जानता हूँ, ये हमारे गांव के, तो छोटी उम्र से मैं उनको देख रहा हूँ, और बहुत ही प्रतिभाशाली सा है और खूब मेहनत की है। जब छोटी क्लासों में थे तभी हम देखते थे कि इन्होंने जितनी मेहनत की, अपना प्रयास करने में कोई कभी कमी नहीं रखी है, और वास्तव में उस प्रयास के कारण ये आगे बढ़ पाए। इनके परिवार ने, ग्रामवासियों ने, इनके मित्र मंडली ने, सब ने बहुत अच्छा सहयोग किया, और वो सहयोग और इनकी खुद की वो तमन्ना थी
इनका खुद का जज्बा था कि मेरे को आगे बढ़ना, वो जज्बे के कारण ये आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के आ रहे हैं। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोड़ा राम जी, आप तो शारीरिक शिक्षक है और वॉलीबॉल से जुड़े हुए जी बिल्कुल, और ये बच्चा आपने जब आयोजन करवाया था यहाँ वॉलीबॉल जी जी, तब भी अच्छा खेल रहा था। ये तो अच्छा खिलाड़ी है, पिछले 3-4 साल से ये कोचिंग करा है और शुरू से मैं इसको अंडर 14 से इसको खिलाया है मैंने। अंडर 14 8वीं के जब टूर्नामेंट होते थे ना उस टाइम से खिलाया है, अच्छा खेलता है। और पिछले साल भी ये कंटिन्यू दो बार नेशनल खेला है, एक साल के अंदर 2 नेशनल खेला है, एक तो खेलो इंडिया खेला था, एक सब जूनियर टूर्नामेंट। तो उसके परफॉर्मेंस को देखते हुए इसको अंडर 18 के अंदर टीम में सेलेक्ट किया था और फिर इसने कड़ी मेहनत की और कड़ी मेहनत का ये परिणाम है कि आज हमारे सामने गोमाराम इंडिया खेल के आया है, जो हमारे बाड़मेर जिले के लिए राजस्थान के लिए गर्व की बात है। एक आपका खेल के क्षेत्र में जानकार होने के नाते आम युवाओं से क्या अपील है? ये चाहते हैं कि आप मेहनत करें और सुविधाओं की कमी है, फिर भी यदि इच्छा शक्ति है तो वो खिलाड़ी आगे अवश्य बढ़ सकता है और आगे भी खिलाड़ी अच्छा खेलेगा और हमारी जो मदद होगी उसके लिए हम कोशिश करेंगे। और वैसे इस साल इस बच्चे को हमने साउथ वेस्ट कंपनी से स्पॉन्सर कर रखा है और आगे जो एकेडमी का खर्चा होगा वो साउथ वेस्ट के द्वारा इसका वहन किया जाएगा। लक्ष्मण जी, आपको वाहवाही दे रहे थे। वाहवाही तो ऐसे अपना दोस्त है, स्कूल शुरू से हमारे साथ ही खेलना शुरू किया और सब गांव के, मेरा अकेले का इतना फर्ज नहीं है, सब गांव के हर युवा ने गोमाराम की मदद की। कभी भी गोमाराम की कभी भी जरूरत पड़ी किसी ने ना नहीं बोला कि आज ये जरूरत पूरी नहीं हुई, पर हमेशा सबका सहयोग रहा और सबसे गुरुजनों का, भाइयों का, दोस्तों का, सबका सहयोग इसके लिए आज भाई अंतर्राष्ट्रीय खेल के आ रहा। हमको बहुत बड़ी खुशी हुई, हमारे साथ मैदान में गाँव में खेलने वाला बंदा आज इंडिया टीम से खेल गया, उससे बड़ी हमारे लिए खुशी क्या हो सकती है। और हमने तो बहरीन नाम सुना है, आज तो बहरीन खेल के बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत खुशी हो रही है। दोस्तों का, गांव वालों का, युवाओं का बहुत सपोर्ट है, बाड़मेर वॉलीबॉल एसोसिएशन का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है और अब खेल के भी आ गया, बहुत अच्छी बात है। आप छोटे भाई है, बड़े भाई है तो आज तो छोटे भाई ने आपका नाम रोशन कर दिया, जिले का भी किया साथ में। बिल्कुल सर, अब तो देश के लिए खेल के आया है। बिल्कुल सर, गर्व है इस पे, इसने मेहनत किया और इसने मेहनत छोड़ा नहीं, रेगुलर 4 साल एकेडमी में रहा, कभी घर पे काम भी हुआ तो नहीं है। मेरे को बोला मैं इसमें, तो आप लोग ये नहीं कहते थे कि घर नहीं आते हो, जिम्मेदारी नहीं संभालते? नहीं बिल्कुल, इसने जिम्मेदारी किया कि आप अपना, बिल्कुल सर, इसने जिम्मेदारी निभाई है ना, इसने अपना जो लक्ष्य था वो हासिल किया। हाँ तो बधाई हो, तांता लगा हुआ होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, सब लोग बधाई दे रहे हैं, सब लोग बधाई दे रहे हैं। आप ग्रामीण है? मेरे साथी, सर्वप्रथम तो मैं तेजल मीडिया का हार्दिक स्वागत करता हूँ, साथ ही साथ आप सभी का अभिनंदन करता हूँ कि मेरे से एक क्लास पीछे पढ़ने वाला गोमाराम आज राजस्थान की हेडलाइन बना हुआ है और तेजल मीडिया का बहुत बहुत आभार है कि जो मेरे साथ बचपन में खेला आज वो इंडिया की टीम में खेल रहा है। इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई खुशी हो नहीं सकती है। बराना जो भावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं वो अध्ययन नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश प्रेम के प्रति कोई प्यार नहीं, तेजल मीडिया का बहुत बहुत आभार है। हमारे गोमाराम जैसे खिलाड़ियों का यहाँ मीडिया कवरेज करना और जो मेरे साथी हैं, हम बचपन में जब थे ना स्कूल में, मैं 5वीं पढ़ता, गोमाराम 7वीं पढ़ता था, तब गुरु जी रहे थे हमारे अमर सिंह जी गोदारा, जो आज अडेल में CBU पद पे तैनात है, इन्होंने उन समय इसकी प्रतिभा को पहचान लिया और हमारे से पहले इसको मौका दे दिया। इस खिलाड़ी में इतनी प्रतिभा और अनुशासन भरा हुआ है कि हर समय गेम का पासा पलट देता है, कभी भी अपने ऊपर परिस्थितियों को हावी नहीं होने देता, इसकी मेन बखूबी है और कभी ये परिस्थितियों से हारा नहीं है, आज भी संघर्ष कर। कितना अनुशासन जरूरी गेम्स में? सबसे पहले तो अपन गेम में जाते हैं तो सबसे पहले कोशेज है, जो कोच है, जो आगे देखते हैं वो सबसे पहले डिसप्लिन देखते हैं। अगर लड़के के पास गेम में डिसप्लिन नहीं है तो उनको पहले मौका नहीं देते, पहले वो देखते हैं डिसप्लिन है कि नहीं है। कैंपों में जितना रहते वो पहले लड़कों का डिसप्लिन देख रहे थे, उसका डिसप्लिन सही है तो उसको आगे मौका दे रहे हैं ज़्यादा, अगर गेम है और डिसप्लिन नहीं है तो फिर उसको मौका देते हैं पर इतना नहीं देते। पारिवारिक पृष्ठभूमि, परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरे मम्मी पापा है, उसको इतना गेम के बारे में इतना पता नहीं है, भाई स्टेट लेवल तक खेल रखा है, भाई को सब पता है गेम के बारे में। एक भाई है, बड़ा भाई, दोनों दो भाई। हाँ ये बड़े भाई हैं, हाँ छोटे। एक छोटी सिस्टर भी है, बाकी जो संभाला है लक्ष्मण जी ने, बाकी तो पूरा परिवार। हाँ पूरा गांव। आज तो आप भारत के लिए खेल के आए हो? हाँ सर, बहुत खुश हूँ। तो गोमाराम डूडी के पलक पावड़े बिछाए हुए लोग हैं रेलवे स्टेशन पर, यहाँ वॉलीबॉल संघ से जुड़े हुए लोग आए, शुभ चिंतक, साथ ही प्रधान प्रतिनिधि मैं जगदीश जी गोदारा सहित लोग यहाँ उमड़े हैं। अनुशासन के साथ खेलने वाले लोग
बड़ी मेहनत करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहरीन में खेल के आए हैं। बाड़मेर का लाल नाम तो रोशन किया है, लेकिन ये जो संघर्ष की कहानी है, जो इबादत लिखी गई, ये पसीने से लिखी गई, मैदान के अंदर लिखी गई और इन लाखों बाड़मेर वासियों की दुआओं से लिखी गई। यहाँ के संघ ने बड़ी मेहनत की है, इनके लिए आर्थिक पैकेज जो है कंपनी से दिलवाया है, साथ ही लोगों ने कभी आर्थिक मदद की कमी नहीं होने दी। आने वाले समय में ऐसे खिलाड़ियों का हौसला अफजाई आप लगातार करें, ताकि बाड़मेर के लोग देश के लिए खेलें, नाम रोशन करें और हमारे युवा जो मैदान के अंदर पसीना बहा रहे हैं उनके लिए गोमाराम डूडी प्रेरणा का स्रोत बन सके। देखते रहिए तेजल मीडिया, नमस्कार।